Hey guys, what's up? Welcome back to my channel. मैं हूं अनिता और आज मैं आप लोगों के साथ obviously guys, जैसे कि festive season चल रहा है तो कुछ खास मेकअप प्रोडक्ट मैं शेयर करूंगी. बट जैसे अभी मास्क बहुत ही ज्यादा एसेंशियल है तो मेकअप की वजह से मास्क को बिल्कुल मत भूलना. तो अभी जैसे देखो हम लोगों का आई का पोर्शन सबसे ज्यादा बाहर रहता है, वही फोकस में रहता है. तो इसलिए मैं खास तीन प्रोडक्ट आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी और ये तीनों प्रोडक्ट है मेबेलाइन के फिट मी के तरफ से. तो फर्स्ट जो प्रोडक्ट है वो है कि ये कॉन्सिलर गाइस, जैसे कि आई का पोर्शन और ये जो फोरहेड का पोर्शन यहाँ पे हाईलाइट भी करता है और आई का पोर्शन डल बिल्कुल भी नहीं दिखना चाहिए क्योंकि यही पोर्शन हमारा भी बाहर रहता है. सेकंड जो आता है वो है कि फाउंडेशन जो फुल फेस को एक इवन टोन देता है, एक कवरेज देता है. और लास्ट जो आता है वो है कि एक सेटिंग पाउडर जो सब कुछ ठीक ठाक से सेट कर देता है, जैसे कि हम लोग जब भी मास्क पहन रहे हैं तो ये बिल्कुल ट्रांसफर प्रूफ रहे. बहुत ही ज्यादा एसेंशियल है, जैसे अभी मैंने कोई भी मेकअप नहीं किया है तो मास्क के इधर पे भी कुछ नहीं आया है. तो वही देखना है कि मेकअप करने के बाद भी मास्क बिल्कुल ऐसा ही ट्रांसफर प्रूफ रहे. तो ये जो आज का खास जो थीम फुल स्पॉटलाइट पे है, तो चले ये तीनों प्रोडक्ट को अप्लाई करके देखते हैं. और हाँ, बस इतना ही नहीं, बहुत सारा इसका यूसेज है. मतलब एक चीज आप बहुत तरह से यूज भी कर सकते हो और उसका बहुत सारा बेनिफिट भी है. तो इसको फेस के ऊपर अप्लाई करते करते उन सभी प्रोडक्ट के ऊपर मैं जितना हो सकता है डिटेल्स में डिस्क्राइब करूंगी. चलिए अभी डायरेक्ट इसको फेस में अप्लाई करके देखते हैं कि कैसा लगता है. तो गाइस पहले आता है फाउंडेशन की बारी. तो फाउंडेशन जैसे अप्लाई करती हूँ, मेरे पास मेबेलाइन फिट मी का दो शेड का फाउंडेशन है, एक है 220 और एक है 238. वैसे तो इसका बहुत सारा है, जो भी शेड है इसका एक स्क्रीनशॉट मैं यहाँ पे दे दूंगी. इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, जहाँ पे जाकर के आप अपना जो भी परफेक्ट जो स्किन टोन है उसको चूज कर सकते हो. क्योंकि इसमें बहुत बहुत रियली में गाइस बहुत सारा स्किन टोन आता है. बिल्कुल ये आपका जो भी स्किन टोन हो, मतलब लाइट से लेकर से डार्क तक जो भी हो, बिल्कुल ये फिट बैठता है. इसलिए फिट मी है, मुझे कुछ ऐसा लगा, ये मेरा डिस्क्रिप्शन है, मुझे लगा बिल्कुल फिट बैठता है. तो चलिए पहले 220 एंड 238 दोनों शेड मैं आप लोगों को दिखा दूं कि ये शेड कैसा है. पहले शेक करना बिल्कुल मत भूलना, जो मैं हमेशा बोलती हूँ, कोई भी फाउंडेशन अगर यूज कर रहे हो तो शेक जरूर करना. ये अभी ऐसा पाम फॉर्म में आ रहा है, पहले ये नहीं आता था, तो ये अभी ये बहुत ही ज्यादा हाइजेनिक हो गया है. तो इतना सा मैंने ले लिया है, इसको मैं हैंड के इस साइड पे मैं अप्लाई कर रही हूँ. ये है शेड 220, जस्ट अ मिनट, ये है 220. एंड जो नेक्स्ट शेड है उसको भी मैं एक बार शेक कर लेती हूँ. एंड देन पाम, जस्ट वन पाम में भी ये काफी आ रहा है गाइस, एज यू कैन सी. तो ये मतलब आप एक बार इसको परचेस करते हो तो ये बहुत टाइम तक ये चलेगा, ऑलमोस्ट 3 इयर्स इसका लाइफ टाइम है. तो ये बिल्कुल और अफोर्डेबल प्राइस में भी आ रहा है, तो आप इसको जरूर एक बार परचेस कर सकते हो, मेरा तो फुल रिकमेंडेशन है. तो ये है 220 एंड ये है 238, ये दोनों शेड. तो गाइस जैसे कि मैंने बोला कि ये फिट मी है और आपका जो भी स्किन टोन है इससे आपको बिल्कुल परफेक्ट वाला टोन मिलता है. तो अगर मैं बोलूं कि 220 जो मेरे स्किन टोन के साथ बिल्कुल परफेक्ट बैठता है, बट अगर मैं टू मच परफेक्ट की बात करूं कि हाँ एकदम लगेगा कि फुल नेचुरल स्किन है, तो मैं 220 एंड 238 को मैं मिक्स करके ऐसे लेती हूँ. तो ऐसे ही मिक्स करके मैं अपने फेस के ऊपर इसको डायरेक्ट अप्लाई करूँगी. गाइस मैं अपने डैम ब्यूटी ब्लेंडर से इसको फुल फेस में मैं पहले ब्लेंड कर लेती हूँ. अब देख सकते हो गाइस कितना मैंने बिल्कुल ही एफर्टलेस है, कितना जल्दी जल्दी ये फुल ब्लेंड हो रहा है पूरा फेस में. ओके गाइस, तो फाउंडेशन हम लोगों ने अप्लाई कर लिया. अभी कॉन्सिलर की बात करूँ तो मेरे पास ब्यूटी कॉन्सिलर भी है, दो शेड भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी. जो शेड फुल शेड तो मैं शेयर नहीं कर सकती, बट आई होप ये दो शेड में से आपको कोई ना कोई शेड जरूर आपको पसंद आएगा. फर्स्ट जो मेरे पास शेड है वो है कि 25 मीडियम. ओके, दिस इज 25 मीडियम. एंड जो नेक्स्ट जो है वो है कि नंबर 30 इज हनी. ओके, बट मेरा जो शेड है वो है कि मीडियम 25. सेकेंड वन, दिस वन इज हनी 30. ओके, तो ये जो मेरा शेड है, तो चलिए उसको अंडर आई में अप्लाई करते हैं और अपना जो जो भी हाईलाइटेड पॉइंट है वहां पर भी अप्लाई करेंगे.
क्योंकि जैसे मैंने बोला कि अभी हम लोगों का आई का पोर्शन बाहर रहता है, सो फर्स्ट मैं अपने अंडर आई में इसको यूज करूंगी। इसका सबसे जो खासियत है गाइज, इसको मिक्स करना मतलब ब्लेंड करना बहुत ही ज़्यादा इजी है, बिल्कुल भी ये ड्राई इतना जल्दी नहीं हो जाता। तो अच्छे से आप थोड़ा सा वाटर इसका टेक्सचर है तो आप थोड़ा सा टाइम लेकर के धीरे धीरे से इसको अच्छे से आप इसको ब्लेंड कर सकते हो। फुल्ली ये ब्लेंड भी होता है और जो भी अपना हाईलाइटेड जो भी पॉइंट है, जैसे कि जो पोर्शन ओपन रहता है वो सभी पोर्शन पे आप अभी कॉन्सीलर ज़रूर यूज़ करो। उससे आपका जो फेस है मतलब जितना भी रहता है वो ही बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा, तो ये वाला पोर्शन बिल्कुल भी मत भूलना। तो चलिए अभी इसको अप्लाई करके देखते हैं। और हाँ, ये जो अंदर मतलब इनर का जो पोर्शन है आई का और बाहर का जो पोर्शन है, ये दोनों पोर्शन में अप्लाई ज़रूर करना, ये बाहर का पोर्शन ये अंदर का पोर्शन। अगर आप चाहो तो आप इसको फिंगर के थ्रू भी ब्लेंड कर सकते हो बहुत इजीली, जैसे नोज का पोर्शन मैं आपको फिंगर के थ्रू ब्लेंड करके दिखा देती हूँ कितना इजीली ये फिंगर के थ्रू भी ये ब्लेंड हो रहा है। और जैसे मैंने बोला है कि मेरा वीडियो भी है इसके ऊपर, तो आप कैसे फिंगर के थ्रू आप ब्लेंड कर सकते हो उसके ऊपर, तो उससे आपको और भी डिटेल्स मिल जाएगा कि कैसे फिंगर के थ्रू आप अच्छे से इसको यूज़ कर सकते हो। देखो मेरा नोज के ऊपर जो नोज जो मैंने कॉन्सीलर जो लगाया था कितना अच्छे से फुल ब्लेंड हो गया ओनली फिंगर के थ्रू। अब जो आई का पोर्शन है वो मैं एक मेरा जो कैम जो ब्यूटी ब्लेंडर है उसके साथ ही मैं ब्लेंड करूँगी। और कितना आसान है एज यू कैन सी गाइज, मुझे कोई भी ऐसा गुस्सा बेटा ये ब्लेंड हो जा हो जा हो जा ऐसा कुछ भी नहीं करना पड़ रहा है। ये बहुत ही ज़्यादा इजी है सच्ची में। जैसे कि कोई कोई कॉन्सीलर में क्या होता है ना कि बहुत ज़्यादा ड्राई होने की वजह से जैसे ही आप अप्लाई करते हो वहाँ पर एक ड्राई हो जाता है, और अच्छे से अगर ब्लेंड नहीं हुआ तो थोड़ी देर बाद क्रैक आ जाना स्टार्ट हो जाता है। पर जैसे कि ये बहुत ही ज़्यादा लाइट है और थोड़ा सा वाटर बेस है, तो आप इसको धीरे धीरे अच्छे से ब्लेंड करो, बहुत अच्छे से ये ब्लेंड भी होता है और क्रैक बिल्कुल भी नहीं आता। दिस इज अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट गाइस जो मेरे लिए, क्योंकि इतना सा बाहर है और इसमें भी इतना सारा क्रैक क्रैक क्रैक, आई डोंट लाइक दिस, आई होप यू ऑल्सो। ब्लेंड इट। मैं आपको थोड़ा सा क्लोज में आकर के दिखाती हूँ कि मेरा फेस अभी कैसा लग रहा है। सो एज यू कैन सी गाइस, अभी आप बिल्कुल फोकस से मेरा फेस को अभी आप देख सकते हो कितना एफर्टलेसली मैंने ब्लेंड किया, वो भी आपने देखा। और देखो ये फुल सनलाइट है, बिल्कुल ये मेरा नेचुरल स्किन टोन लग रहा है और मेरा अंडर आई में भी कोई भी क्रैक वगैरह कुछ भी नहीं है। और इसका एक खासियत मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ गाइस, ये नॉन कॉमेडोजेनिक है, मतलब ये हमारे जो भी पोर्स है उसको क्लॉग नहीं करता। तो ये कितना इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी आप मास्क पहन रहे हैं तो बहुत ज़्यादा स्वेट हो रहा है, और उसके साथ साथ अगर फाउंडेशन हमारे जो भी पोर्स है उसको भी बंद करते तो ये बहुत ज़्यादा हमारे स्किन के लिए बहुत ज़्यादा खराब है, उससे बहुत ज़्यादा स्किन रैशेज या और भी स्किन का बहुत सारा प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये नॉन कॉमेडोजेनिक है, मतलब हमारे स्किन के जो भी ओपन जो पोर्स है उसको बंद नहीं करता, तो इसीलिए फिट मी रेंज मुझे इतना ज़्यादा अच्छा है। तो इसका फाउंडेशन और कॉन्सीलर मैं बहुत टाइम से यूज़ कर रही हूँ और इस टाइम के लिए तो ये बिल्कुल परफेक्ट है। बट हाँ, जो एक लास्ट प्रोडक्ट है लूज पाउडर, ये मैं फर्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ तो इसके साथ एक फास्ट इंप्रेशन भी हो जाएगा। बट हाँ, अभी के लिए ये वाला प्रोडक्ट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे तो अभी आप देख सकते हो मैंने हैंड, ये देखो हैंड पे कुछ नहीं आ रहा है, फुल सेट होकर के बैठ गया है। पर जैसे ही मैं मास्क पहनूंगी बाहर जाऊंगी तो थोड़ा बहुत तो स्वेट होगा, उसके लिए अभी ये लूज पाउडर के साथ मेरे फेस को अभी सेट करना बहुत ही ज़्यादा और भी ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। जैसे कोई भी मेकअप के बाद पाउडर से फिट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है गाइस, बट ये मेबीलैंड का फिट मी करेंज का पाला ये वाला पाउडर जिसका मैंने बहुत ज़्यादा नाम सुना है, बट पहली बार मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। तो चलिए आप लोगों के साथ मतलब मेरे साथ जो जो भी नया है उसके साथ मैं भी देख लेती हूँ कि कैसा आता है। फुल शेड पैक था और मेरा जो शेड है वो है कि 25 मीडियम, और ये देखो ये फुल शेड है अभी, अभी तक मैंने इसको ओपन भी नहीं किया है। तो इसको मैं अप्लाई करूँगी, फिर मास्क से अप्लाई करूँगी और फिर 2 to 3 hours के बाद मैं आप लोगों के आकर के मीट करूँगी और देखूँगी कि मेरा फेस कैसा है। बट उसके पहले मैं इसको अप्लाई तो कर दूँ। तो गाइस जो भी ये पाउडर है इसको भी मैं अपने डैम ब्यूटी ब्लेंडर के थ्रू ही मैं इसको अप्लाई कर रही हूँ। ये पाउडर भी फुल मैट पाउडर है गाइस, और ये भी बिल्कुल लाइट वेट है,
क्योंकि पाउडर भी जब भी आप लगाते हो तो उसमें भी एक थोड़ा सा लगता है कि हाँ हमने फेस के ऊपर कुछ लगाया है। जैसे जितना तो ये फाउंडेशन लाइट है उतना कॉन्सीलर लाइट है और उससे भी ज्यादा ये पाउडर लाइट है। अभी देखते हैं कि ये वाला पाउडर अपना काम करता है क्या, स्वेट को कितना तक रोकता है, कितना ये फुल इफेक्टिव होता है। गाइस आई एम ऑलमोस्ट ऑल सेट। अभी मैं थोड़ा सा फेस पे मतलब आई में थोड़ा थोड़ा मेकअप कर लेती हूँ एंड आई एम राइट बैक। तो गाइस मेरा मेकअप हो गया है और अभी जो सबसे जो एसेंशियल है मास्क, इसको बिल्कुल भी भूलना नहीं चाहिए। तो मेबेलिन स्किन फिट मास्क फिट जरूरी याद रखना। आज का ये तीनों प्रोडक्ट मेन हीरो है गाइस। जो फाउंडेशन आपने देखा कितना इजीली ये ब्लेंड हो गया और जैसे मैंने बोला कि फिंगर के थ्रू भी आप इसको ब्लेंड कर सकते हो इजीली, कैसे उसके ऊपर वीडियो भी मेरे पास है, आप मेरे चैनल पे अवेलेबल है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी। और ये तीनों प्रोडक्ट का परचेस लिंक भी मैं शेयर करूंगी, एक बार जरूर विजिट करना। और सेकेंड जो है ये कॉन्सीलर, जैसे कि ओनली आई अभी बाहर है तो अंडर आई में कोई भी डार्क सर्कल वगैरह बिल्कुल भी नहीं दिखना चाहिए, बिल्कुल आई बिल्कुल ब्राइट अप होना चाहिए। आई मेकअप ओनली करने से अच्छा नहीं होता गाइस, अगर आई के नीचे ऐसा ब्लैक ब्लैक कोई भी धब्बा वगैरह ऐसा रहे तो आई का जो भी लुक है जितना भी अच्छा वाला आप आई मेकअप करो वो खुल के बाहर नहीं निकल के आता। तो कॉन्सीलर नॉट ओनली दैट गाइस, ओनली हाईलाइटर भी हाईलाइट का काम पूरी तरह से नहीं कर पाता। अगर वो पोर्शन आपका और मतलब अंदर से जो फाउंडेशन उसके अंदर से एक हाईलाइट का पोर्शन अगर ना रहे तो वो वाला काम ये कॉन्सीलर करता है गाइस। फोरहेड के पोर्शन, नोज का जितना भी पोर्शन है ओके, ये सभी पोर्शन को मतलब अपर पोर्शन को ये फुल हाईलाइट करता है कॉन्सीलर। तो ये वाला कॉन्सीलर आपने देखा मैंने कितना टाइम लेकर के धीरे धीरे मैंने इसको ब्लेंड किया, कोई भी क्रैक वगैरह एज यू कैन सी गाइज मेकअप मैंने किया है ऑलरेडी हाफ एन आवर हो गया है तो कोई भी क्रैक वगैरह कुछ भी नहीं आया है। और मास्क मैंने अभी पहन के इतना टाइम से आप लोगों के सब बकबक कर रही हूँ और अभी देखो मास्क की इस साइड पे इम्प्रेसिव ना। और लास्ट ये जो पाउडर है एज यू कैन सी गाइज ये पूरी तरह से सेट करके सब कुछ एकदम फुल जहां पे चीज जो मेकअप को बैठना था वही पर बिठा दिया है। ये नॉन कॉमेडोजेनिक है मतलब ये आपके पोर्स को क्लॉग नहीं करेगा, मतलब कोई भी स्किन रैश वैसा कुछ भी आने का चांस नहीं होगा। स्वेट वगैरह तो थोड़ा सा होता ही रहता है गाइस क्योंकि ये मास्क है, पर उसके वजह से हमको हमारा जो पोर्स है वो क्लॉग हो जाएगा, बंद हो जाएगा, उसके ऊपर डाटी डाटी ऐसा गंदी गंदी वाला मैला जम जाएगा, ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। तो आई एम जस्ट इम्प्रेस। और अभी मास्क पहनो और अगर आप थोड़ा थोड़ा बाहर जा भी रहे हो तो जस्ट डोंट वरी एंड आई एम जस्ट फुल फिट। तो अभी आती हूँ मैं 3 आवर्स के बाद। हे गाइस अभी जैसे मैं 3 आवर्स के बाद मैं आ गई हूँ और ये मेबेलिन फिट मी का स्किन फिट मास्क फिट है। तो अभी मैं मास्क को ओपन करूंगी, मैं बता दूं पिछले 3 घंटे से ये गाइस फुल 3 आवर्स मैंने फुल वॉच देख कर करके रखा है क्योंकि मुझे देखना है कि कितना ट्रांसफर हो रहा है, मतलब इस टाइम के लिए जो फेस्टिव सीजन चल रहा है इसके लिए कितना मतलब मैं आप लोगों को सजेस्ट कर सकती हूँ। तो अभी मैं मास्क को ओपन करूंगी, मैं 3 आवर्स में एक बार भी मैंने मास्क को ओपन नहीं किया है। तो चलिए ओपन करके देखते हैं कि ये कितना सक्सेसफुल हुआ। इम्प्रेसिव गाइस है कि नहीं, मतलब प्रूफ बिल्कुल आपके सामने है। तो वेट किस बात की गाइस, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाओ चेकआउट करो, परचेस करो और इस टाइम के लिए बिल्कुल ये परफेक्ट मेकअप है। आज का जो 3 मेन बैटलियन है, ये फाउंडेशन ऑसम, ये पाउडर टू मच ऑसम एंड लास्ट इज द कॉन्सीलर, ये तो आज का रियल हीरो है गाइस। आई जस्ट लव दिस कॉन्सीलर, आई लव यू रियली गाइस, ये बहुत ही ज्यादा अच्छा है, रियली में अच्छा है। तो जाओ चेकआउट करो, परचेस करो और आपको पता है ना जो मुझे एक्चुअली में अच्छा लगता है वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ इतने अच्छे से। तो चलिए आज के लिए यही तक, बहुत जल्द आप लोगों से फिर से मुलाकात होगी मेरे एक नए वीडियो में, तब तक टाटा स्टे ब्लेस्ड।